दोस्तों, पहली बार आज मौका मिला है इस जंगली जानवर के इतना नज़दीक से वीडियो बनाने का। अब ये इतना नज़दीक इसने मुझे क्यों आने दिया ये भी मैं बताता हूँ आपको, और ये भी बताता हूँ कि इस जंगली जानवर का इतना नज़दीक से वीडियो बनाना क्यों असंभव है। तो इसका इतने नज़दीक से वीडियो बनाना असंभव तो इसलिए कि आज तक इसको पृथ्वी पर किसी ने पालतू नहीं बनाया, आज तक ये जानवर पालतू नहीं बनाया गया। ये इतना नज़दीकी से वीडियो कैप्चर किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि इस नर नील गाय का पिछला एक पैर टूटा हुआ है। अभी लास्ट में आप देखोगे जब ये यहाँ से मुझे, मैं इसके और ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा तो ये पीछे घूम के जाएगा, तो आप देखोगे एक पैर इसका अब भी देख सकते हो टूटा हुआ है। तो उसकी बदौलत मैं इसके लगभग 50 मीटर नज़दीक आ पाया हूँ और बाकी कैमरा अपना काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पैर वो, ये देखो ये पैर इसने थोड़े, तो ये देखो ये वाला पैर पीछे में जो मेरी तरफ जो पैर है ये बिल्कुल टूटा हुआ है। अभी घूम के जाएगा दिख जाएगा आपको। दोस्तों इन जानवरों से बहुत तेज़ भागता है लेकिन घोड़े के बराबर तेज़ नहीं दौड़ता। अब देखो इसको आगे से मैं दिखाता हूँ आपको, फिल्मा कर नज़दीक करता हूँ थोड़ा सा जूम। मैं इसे मात्र 50 मीटर की दूरी पर हूँ और ये इतना नज़दीक इसीलिए अब तक मैं फिल्मा पा रहा हूँ कि इसका एक पिछला पैर टूटा हुआ है। और हाँ, इतना सुंदर जानवर, इतना सुंदर वाइल्ड एनिमल जिसका इतना नज़दीकी से फोटो बना, पिक्चर या वीडियो बनाने के लिए ही इसको, इसकी सुंदरता को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इसके सींग देखो कितने सुंदर हैं, इसकी आंखें देखो मृग नैनी, मृग मृग माने हिरण होता है, ये हिरण की प्रजाति का, आंखों को देखते हैं तो लगता है बिल्कुल हिरण के ही दूसरा भाई है, बिल्कुल मृग नैनी। इसका चेहरा देखो, इसका बिल्कुल मुंह जैसे जुगाली कर रहा है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक गाय है। और कानों से देखो आप, कानों से बिल्कुल आपको ये क्या सुंदर लग रहा है। इसकी सुंदरता के ऊपर ही आप इसको प्लीज़ प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर शेयर करें। और आगे देखिए इसका पूरा विवरण। अब देखिए इसके बदन को देखिए, बिल्कुल घोड़े की तरह बनावट। सींग देखिए इसके, सींग इतने इतने पैने, कान हमेशा इसके खड़े हुए रहते हैं, ऊपर पक्षी बैठा है इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शरीर को देखकर तो, सिर्फ शरीर को अगर हम देखते हैं तो एकदम घोड़े की बनावट हमें आती है, लेकिन जब पीछे का पोर्शन पर जाते हैं तो घोड़ा पीछे से थोड़ा चौड़ाई में और थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन नहीं नीलगाय नहीं होती। फिर पीछे का पोर्शन देखते हैं लेकिन